फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत इजी टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे, आइए देखते हैं। वी विल कवर द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेंटेनेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, व्हाट आर चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनिंग प्रोसेस, एंड लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या चीज़ है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके कस्टमर एंड पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कस्टमर को हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद कोई भी उसकी अपडेशन करनी है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, तो वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंडर आता है। जब हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, उसके बाद कोई भी उसका अपडेट परफॉर्म करना है, कुछ भी उसको मॉडिफाई करना है, कोई उसका फॉल्ट करेक्ट करना है, वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंडर आएगा। सॉफ्टवेयर इज अ मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। व्हेन द रियल वर्ल्ड चेंजेस द सॉफ्टवेयर रिक्वायर अल्टरेशन वेयर एवर पॉसिबल। जो सॉफ्टवेयर होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। लाइक हमें जानना है कि टेम्परेचर आज वेदर का क्या होगा, या फ्यूचर उसकी प्रडिक्शन करनी है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर की अल्टरेशन नेसेसरी हो जाएगी, क्लियर। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, सम ऑफ देम आर ब्रीफली मेंशन बिलो। तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है, तो उनको कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, नीचे हमने बता रखा है यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज़ द मार्केट कंडीशंस। Policies which changes over the time, such as taxation and newly introduced constraints like how to maintain bookkeeping, may trigger need for modification. तो policies बार बार change होती रहती हैं market में, like कि हमने like taxation का कोई software बना हुआ है तो taxation की नई policy आ गई, ठीक है, जहाँ हमने constraints new लगाने हैं, तो उसके हिसाब से हमें modification करनी पड़ सकती है, और modification करने के लिए हमें software maintenance के through जाना पड़ेगा। सो एक तो ये कारण होगा, डेट इज़ मार्केट कंडीशंस। सेकंड जो इसका रीज़न हो सकता है, डेट इज़ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। ओवर द टाइम कस्टमर में आस्क फॉर न्यू फीचर्स और फंक्शंस इन द सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो कस्टमर बोल सकता है कि भाई मुझे ये नया फीचर सॉफ्टवेयर में ऐड करवाना है। तो जब उसको नया फीचर ऐड करवाना है तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ, डेट इज़ अ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पार्ट। होस्ट मॉडिफिकेशन, इफ़ एनी of the hardware or platform such as operating system of the target host changes, the software changes are needed to keep adaptability. तो इसको हम अडेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मेरा हार्डवेयर चेंज हो गया, जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चेंज कर लिया, पहले उसके पास विंडोज़ पे था, अभी उसके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो द सॉफ्टवेयर मे रिक्वायर चेंजेस, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो गया फॉर द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इन द लास्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। इफ देयर इज एनी बिजनेस लेवल चेंज एट क्लाइंट एंड, सच एज रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, एक्वायरिंग अनदर कंपनी, एक नई कंपनी, एक नई ब्रांच उसने ओपन कर लिया है, तो उसका भी सॉफ्टवेयर, मतलब उसका भी सोल्यूशन देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। ऑर्गेनाइजेशन वेंचरिंग इनटू न्यू बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन उसने अपना न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, नीड टू मॉडिफाई इन द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में अराइज। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण, जिसकी वजह से हमें जो सॉफ्टवेयर वो मॉडिफाई करना पड़ सकता है, और सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। सो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू करेक्ट फॉल्ट्स, ठीक है, फॉल्ट्स को सही करने के लिए हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एनहांसमेंट्स, इंटरफेस विद अदर सिस्टम, एकोमोडेट प्रोग्राम सो डैट डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम फीचर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी कैन बी यूज्ड,
ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम हमें अकोमोडेट करने पड़ सकते हैं ताकि वो अलग अलग जो हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको वो फैसिलिटेट कर सके माइग्रेट. लिगसी सॉफ्टवेयर, लिगसी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑलरेडी पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, उनको हम लिगसी सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो उनको अगर माइग्रेट करना है, रिटायर द सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर अभी बना हुआ है, ठीक है, उसको रिटायर करना है, उसको ख़त्म करना है बिल्कुल, और नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके हम स्पेसिफिकेशन तो देखेंगे ना कि उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट यूज़ की हुई थी, क्या उसमें था, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन थी, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द मेंटेनेंस पार्ट. नेक्स्ट, देयर आर सम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. इन सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम टाइप ऑफ मेंटेनेंस में वेरी बेस्ड ऑन इट्स नेचर. ठीक है, तो मेंटेनेंस में टाइप जो उसकी हैं वो वेरी कर सकती हैं अलग अलग बेस्ड ऑन द नेचर, कि उसका जो सॉफ्टवेयर का नेचर वो कैसा है, जहाँ जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेंटेनेंस हम क्यों कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है मेंटेनेंस का. इट मे बी जस्ट अ रूटीन मेंटेनेंस टास्क एज सम बग डिस्कवर्ड बाय सम यूज़र, और इट मे बी अ लार्ज इवेंट इन इट सेल्फ बेस्ड ऑन मेंटेनेंस साइज और नेचर. तो ये सिर्फ एक रूटीन टास्क भी हो सकता है कि कोई बग, अगर कोई जो हमारे पास कोई एरर्स आ रही है, कोई बग्स आ रहे हैं, वो डिस्कवर हो गए, किसी यूज़र ने फाइंड आउट कर लिया कि ये भाई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही करना है, या फिर एक ये बड़ा टारगेट भी हो सकता है कि बहुत कुछ हमें न्यू फीचर्स उनमें इसमें ऐड करने हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि हमें कोई एरर फिक्स करनी हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसमें कोई न्यू फीचर्स हमने ऐड ऑन करने हो. तो ये अलग अलग नेचर है, ठीक है, कि मेंटेनेंस की, तो उसी नेचर के हिसाब से इसकी अलग अलग टाइप्स हैं. तो फर्स्ट टाइप इज़ करेक्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव नाम से पता चल रहा है कि करेक्टिव मेंटेनेंस में हम किसी चीज़ को करेक्ट करेंगे. सो जो भी एरर्स आएंगी, जो बग्स आएंगे, उसको करेक्ट करना है यहाँ पे. करेक्टिव मेंटेनेंस इज़ अ रिएक्टिव प्रोसेस डैट इज़ फोकस्ड ऑन फिक्सिंग फेलियर्स इन द सिस्टम. इसको रिएक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये तभी मेंटेनेंस, ये वाली मेंटेनेंस तभी होगी जब कोई एरर आएगी, कोई बग आएगा, कोई फेलियर आएगा, ठीक है, तभी हम ये वाली मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे. तो इसका फोकस भी ये कहाँ पे होगा, फिक्सिंग द फेलियर्स. इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन एंड इनहांसमेंट डन टू द कोडिंग एंड डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू फिक्स एरर्स और डिफेक्ट्स डिटेक्टेड बाय द यूज़र और कंक्लूडेड बाय एरर यूज़र रिपोर्ट. तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूज़र की रिपोर्ट में एरर्स आती हैं तो उसको फिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है. दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज इनिशिएटेड इन द सिस्टम टू रिजॉल्व एनी न्यू और मिस्ड डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर. तो कुछ कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह गया होगा जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, तो या तो वो कोई हो सकता है कि न्यू कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर ऑलरेडी जो बना था सिस्टम में उसमें कोई डिफेक्ट रह गया, तो ये मेंटेनेंस तब हम इनिशिएट करते हैं. करेक्टिव मेंटेनेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एमरजेंसी रिपेयर्स एंड सेकेंड वन इज शेड्यूल्ड रिपेयर्स. तो एमरजेंसी रिपेयर क्या होती है कि जिसकी मेंटेनेंस हमें इमीडिएटली स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारा सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, तो वो होती है एमरजेंसी रिपेयर. और शेड्यूल्ड रिपेयर क्या है कि हमने महीने बाद, दो महीने बाद, कुछ टाइम फ्रेम हमारे पास फिक्स है कि इतने टाइम के बाद हमें अब उसकी मेंटेनेंस करनी है चीज़ की, तो डेट वन इज डेट इज़ शेड्यूल्ड रिपेयर. एमरजेंसी रिपेयर एंड शेड्यूल्ड रिपेयर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास कोई कार है, ठीक है, अगर कार की सपोज करो हेडलाइट ख़राब हो गई तो वो एमरजेंसी रिपेयर में जाएगी, क्योंकि रात को गाड़ी निकालनी पड़ेगी हमें, तो वो एमरजेंसी हो सकती है कहीं भी, ठीक है, तो वो इमीडिएटली हमें रिपेयर करानी पड़ेगी. अगर सपोज करो कि कार में एवरेज की प्रॉब्लम है, कि आपको एवरेज प्रॉपर नहीं आ रही, तो वो शेड्यूल्ड रिपेयर हो सकता है कि आप उसको अभी इतनी एमरजेंसी नहीं है, बट जब आप सर्विस कराओगे, क्योंकि सर्विस एक शेड्यूल टाइम होता है कि इतने टाइम बाद आपको सर्विस करानी है कार की, तो तब आप उसको रिपेयर करवा सकते हो, डेट इज़ अ शेड्यूल्ड रिपेयर. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अडेप्टिव मेंटेनेंस. अडेप्टिव मेंटेनेंस इज इनिशिएटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल नीड्स लाइक मूविंग द सॉफ्टवेयर टू अ डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और अ न्यू प्रोसेसर, एंड टू मैच द एक्सटर्नल कंप्लीशन एंड रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो अडेप्टिव में नाम में क्लियर हो रहा है कि किसी जगह जा हम बोल सकते हैं. तो अडेप्टिव मेंटेनेंस में कि सॉफ्टवेयर को हमें अडेप्ट करना है अपने नेचर के अकॉर्डिंग, कि हम वहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करना चाहते हैं. लाइक हमें एक विंडोज़ पे चल रहा था सॉफ्टवेयर, अभी हमें किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चलाना है, तो उसमें जो मेंटेनेंस होगी, उसमें जो हम उसका मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ भी, डैट इज़ अ अडेप्टिव मेंटेनेंस.
The main goal of adaptive maintenance is to keep the software program up to date and to meet the needs and demand of the user and the business. तो जो भी यूज़र की डिमांड होगी या बिजनेस की डिमांड है उसके हिसाब से हमें मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एंड दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। द थर्ड टाइप इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। हेयर इन्हांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स आर डन इन ऑर्डर टू कीप द सॉफ्टवेयर यूजेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट एम्स ऑफ अचीविंग रिड्यूस्ड कॉस्ट इन यूजिंग द सिस्टम एंड इंक्रीज इट्स मेंटेनेबिलिटी। तो परफेक्टिव में मतलब साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट होना चाहिए हमारा सिस्टम, वो वाली मेंटेनेंस जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, डेट इज़ कॉल्ड द परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो चलता ही जाए, ठीक है। और इसमें हमारी कॉस्ट कम होगी क्योंकि वो सिस्टम चलता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ परफेक्टिव मेंटेनेंस इंक्लूड्स मेकिंग द प्रोडक्ट फास्टर, क्लीनर स्ट्रक्चर्ड, इम्प्रूविंग इट्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, एडिंग न्यू फीचर्स एंड मोर। तो इसमें क्या होगा कि उसको परफेक्ट बनाने के लिए जो भी काम करना पड़े, चाहे उसकी हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, उसको फास्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो प्रोग्राम बनता है वो अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हम, एल्गोरिथम्स बनाते हैं वहाँ पर, तो वो एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंट और बना सकते हैं, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। तो ये वाले जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, ये वाले ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशन होगी दैट इज कॉल्ड द परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो द लास्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मोस्ट कॉमनली नोन एज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स इन द सॉफ्टवेयर बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल, enhancing its feature and improving its existing quality। तो इसको हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसमें फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं हम, और उसको जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है उसकी क्वालिटीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करके, ठीक है, उसको री इंजीनियर करेंगे, जो भी उसमें प्रोग्राम बने हुए हैं, जो उसका डिज़ाइन है, उसको हम इम्प्रूव करके, उसमें फीचर्स ऐड ऑन करके उसको रीडेवलप करेंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या होगा कि जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है वो ना आए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज टू अटेंड प्रॉब्लम्स विच मे सीम इनसिग्निफिकेंट बट कैन कॉज सीरियस इशूज इन द फ्यूचर। कि अभी तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो करंट प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उनका इतना महत्व नहीं है, उनका मतलब इफेक्ट नहीं है, बट आगे चल के उनका बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। जहाँ हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारे पास करंट सॉफ्टवेयर चल रहा है, अभी उसमें कोई फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, बट इन फ्यूचर उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उन सभी चीज़ों को अभी से सही करने के लिए वी डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल आए ही ना। आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ software maintenance, now we are having some challenges that we faced during the software maintenance. Maintaining software is though considered essential these days, it is not a simple procedure and entails extreme efforts. ठीक है, जो maintenance है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और बहुत सारी efforts इसमें लगाई जाती हैं, ठीक है, this is not a simple process. The process requires knowledgeable experts who are well versed in latest software engineering trends and can perform suitable programming and testing. तो इसमें जब एक प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी होती है, तो इसमें सिंपल ऐसे नहीं होते कि डेवलप ही करना है, इसमें हमें पहले बैकवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ती है मेंटेनेंस में, तो इसमें एक्सपर्ट्स की नॉलेज चाहिए होती है हमें, वो वाले एक्सपर्ट्स जिसको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जिनके पूरी नॉलेज है जिनको। Furthermore, the programmers can face several challenges while executing software maintenance which can make the process time consuming and costly. तो कुछ और कारण भी हैं हमारे पास जिसके कारण जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है वो एक चैलेंजिंग प्रोसेस बन जाता है, तो क्या क्या है वो। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द पर्सन और डेवलपर हु कंस्ट्रक्टेड द प्रोग्राम कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो सो एक कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं,
तो किस एम्प्लॉई ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कौन सा जो जो अच्छा ऐसे भी होता है कि टीम वर्क में काम होता है, ठीक है, तो टीम में बहुत सारे डेवलपर्स लगे होते हैं। अभी जो पर्टिकुलर पार्ट है सॉफ्टवेयर का वो किस डेवलपर ने डेवलप किया, उसको ही पहले तो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वही जानता है कि उसने उसको कैसे बनाया, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज यहाँ पे है कि चेंजेस आर मेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम क्लियरली, ठीक है। अभी किसी बंदे ने वो जो चेंजेस है, जो मॉडिफिकेशन है वो कर दी, ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में कोई ना कोई चेंजेस कर दी, बट वो बंदा प्रोग्राम को अच्छे से समझ ही नहीं पाया था, ठीक है। तो अगर उसको प्रॉपरली समझ ही नहीं आया होगा तो चेंजेस उसने क्या की होंगी, अपनी मर्जी से चेंज कर दिया तो कुछ ना कुछ दिक्कत वो वहाँ पे आ ही जाएगी। सो दिस इज़ द सेकेंड चैलेंज। थर्ड वन इज द सिस्टम आर नॉट मेंटेन्ड बाय द ओरिजिनल ऑथर्स विच कैन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रटेशन ऑफ चेंजेस एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। तो क्या हो सकता है कि वही जो पहले हम डिस्कस करके हैं कि जो चेंजेस है वो ओरिजिनल डेवलपर ने नहीं की, किसी और बंदे ने कर दी, तो हो सकता है कि उसको कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी हो, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब कि उसको उसने जो इंटरप्रेट किया, जो उसने समझा वो गलत समझ लिया और उसी हिसाब से उसने चेंजेस कर दी, तो दिक्कत आ सकती है, सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द यूज़र एंड द डेवलपर कैन ऑल्सो बिकम अ ह्यूज चैलेंज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अगर कोई गैप रह गया यूज़र और डेवलपर के बीच में, कि यूज़र ने तो यही चीज़ मांगी थी बट डेवलपर ने कुछ और बना दिया या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। द बिगेस्ट चैलेंज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज वेन सिस्टम्स आर नॉट डिजाइन फॉर चेंजेस, ठीक है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी अगर हमने सॉफ्टवेयर जो बनाया था उसमें कोई प्रोविजन रखा ही नहीं कि इन फ्यूचर हम चेंज कर सकें, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या होगा, जो ओरिजिनल बना हुआ उसमें डिज़ाइन चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई फीचर ऐड कर सकते हैं, बट अगर जिसने भी पहले बनाया था ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो बना था उसमें ये प्रोविजन रखा ही नहीं, तो हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, क्या हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इज इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम थ्रू अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस, ठीक है। एक प्रॉपर हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि इसको प्रॉपर से हम मेंटेन कर सकें। द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट फेजेस एंड ईच ऑफ विच कैन बी यूज इन आइटरेटिव मैनर एंड कैन बी एक्सटेंडेड सो डैट कस्टमाइज आइटम्स एंड प्रोसेसिस कैन बी इंक्लूडेड। तो जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल है उसमें 7 फेजेस होते हैं अलग अलग, तो ये 7ों के 7ों फेज हमें आइटरेटिव होते हैं, इसको दोबारा दोबारा हम चला सकते हैं, ठीक है, और ये एक्सटेंड हो सकते हैं, यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं इनको ताकि कोई नया प्रोसेस हमने अगर इंक्लूड करना है, ठीक है, तो वो इंक्लूड इजिली हो जाए। दिस 7 फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आर, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट आती है। मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट आने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उस प्रॉब्लम का जो भी रिजल्ट निकालें उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो यूज़र करता है, उसके बाद हम उसको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो एक इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन फेस में रिक्वेस्ट आती है मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, वो उसको जो रिक्वेस्ट आती है हम रिक्वेस्ट को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एंड जो हर एक रिक्वेस्ट है हम उसको देखते हैं, असेस करते हैं कि वो कौन सी मेंटेनेंस टाइप की है, उसमें कौन सी कैटेगरी आएगी मेंटेनेंस की, ठीक है। दिस इज जनरेटेड बाय सिस्टम इटसेल्फ, ये सिस्टम ऑटोमेटिक भी जनरेट कर सकता है अपने आप, क्योंकि सिस्टम भी जब सिस्टम कोई एरर आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है कि इसको भाई चेंज करो, ठीक है, या फिर कोई यूज़र है तो यूज़र भी रिक्वेस्ट चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। देन सेकेंड फेज इज एनालिसिस फेज,
The feasibility and scope of each validated modification request are determined and plan is prepared to incorporate these changes in the software. तो analysis में जो भी हमने request यहाँ पे हमारे पास आ गई है, जो भी request उसको हम validate कर चुके हैं, तो यहाँ पे उसकी feasibility देखते हैं, उसका scope देखते हैं, ठीक है, और एक plan तैयार करते हैं कि इसको हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे, इसकी जो चेंजेस है वो सॉफ्टवेयर में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी। द इनपुट एट्रीब्यूट कंप्राइजेज ऑफ वैलिडेटेड मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट होती है, ऐसे नहीं कि हर एक रिक्वेस्ट को हम चेंज करती हैं करते हैं, ठीक है, पहले वो चेक होती है कि उस रिक्वेस्ट को हमें फॉलो करना है, उस रिक्वेस्ट को हमें इंप्लीमेंट करना भी है या नहीं करना, तो उसको पहले वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस फेज में क्या क्या आएगा यहाँ पे, वो जो भी हमने रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से जो रिसोर्स होंगे उसका एस्टिमेट आएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन क्या है, जो हमारे पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है डेटाबेस में, डेट इज़ द रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन। द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड, और यहाँ पे जो भी हमारे पास कॉस्ट है मेंटेनेंस की, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन की हम कह सकते हैं, वो भी एस्टिमेट की जाती है। तो ये सारा कुछ फिजिबिलिटी एंड स्कोप में ही आ जाता है। सो डिज़ाइन फेज में क्या होगा, द न्यू मॉड्यूल्स डैट नीड टू बी रिप्लेस्ड और मॉडिफाइड आर डिज़ाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द अर्लियर स्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें मॉड्यूल्स को जो मॉड्यूल्स को हमने रिप्लेस करना है या हम मॉडिफाई करना चाहते हैं जिन मॉड्यूल्स को, उसका हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन कैसे तैयार होगा, जो भी हमारे पास प्रीवियस स्टेजेस में रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनको देख के एक डिज़ाइन हम प्रिपेयर कर लेंगे। टेस्ट केसेस आर डेवलप्ड फॉर न्यू डिज़ाइन इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशूज़, तो हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे। टेस्ट केसेस क्यों डिज़ाइन करते हैं, फॉर द वैलिडेशन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, ताकि सिस्टम को हम वैलिडेट भी कर सकें और जो हमने डिज़ाइन किया है उसकी हम वेरिफिकेशन भी कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे हम जो सिस्टम की सिक्योरिटी है एंड द सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान में रख के हम उसके टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे। सो नेक्स्ट, इन इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज द एक्चुअल मॉडिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर कोड आर मेड, तो यहाँ पे जो हमने एक्चुअल मॉडिफिकेशन करने है, क्योंकि अभी तक तो हमने डिज़ाइन ही प्रिपेयर किया, हमें प्लान हमने पहले एनालिसिस कर लिया, ठीक है, उसका प्लान आउट कर लिया हमने मॉडिफिकेशन के लिए, जो हमने मॉडिफिकेशन करने है उसको डिज़ाइन कर लिया, बट यहाँ पे आके हम वो मॉडिफाई करेंगे सिस्टम को, एक्चुअल में मॉडिफाई करेंगे सॉफ्टवेयर, जो कोड है सॉफ्टवेयर का उसको हम चेंज करेंगे। न्यू फीचर्स डेट सपोर्ट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर आर एडेड, जो हमने न्यू फीचर्स ऐड करने सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो ऐड हो जाएंगे, एंड द मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। द न्यू मॉड्यूल्स आर कोडेड विद द असिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्रिएटेड इन द डिज़ाइन फेज, जो मॉड्यूल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ हम जो मॉड्यूल हमने कोड करना है वो कैसे ऐड होगा, विद द असिस्टेंस फ्रॉम द डिज़ाइन, जो भी हमने डिज़ाइन तैयार किया था उसको देख के हम यहाँ पे उसको कोड करेंगे, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेज वी हैव सिस्टम टेस्टिंग फेज। रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द मॉडिफाइड सिस्टम टू इंश्योर डैट नो डिफेक्ट एरर और बग इज लेफ्ट अनडिटेक्टेड, फर्दर मोर इट वैलिडेट्स डैट नो न्यू फॉल्ट आर इंट्रोड्यूस इन द सॉफ्टवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि अगर हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो पहले तो कोई एरर नहीं थी, बट क्या मॉडिफाई करते हुए या हम कह सकते हैं कि प्रीवियस एरर थी उसको हमने सही किया, वो तो प्रीवियस एरर तो सही होगी, बट उसको सही करते करते क्या कोई न्यू एरर तो नहीं आ गई, ठीक है, तो वो वाली टेस्टिंग को हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ताकि हम देख सकें कोई भी एरर है, जो कोई भी बग है वो पीछे नहीं रह गए, वो सारे के सारे हमने फाइंड आउट कर लिए और सबको हमने रिपेयर भी कर दिया है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट बिटवीन न्यू मॉड्यूल्स एंड द सिस्टम, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी इसमें करते हैं, क्योंकि हमने जो न्यू मॉड्यूल्स बनाए हैं सिस्टम में उनको इंटीग्रेट करना होता है, तो इंटीग्रेट करने में कोई एरर तो नहीं आए, तो उसको देखने के लिए वी विल डू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या चीज़ है, ये यूज़र की एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि जो यूज़र है वो इस सॉफ्टवेयर जो हमने मॉडिफाई किया है उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, तो उस यूज़र को एक्सेप्ट करवाने के लिए जो भी टेस्टिंग होती है, डैट इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
Acceptance testing is performed on the fully integrated system by the user or by the third party specified by the end user. या तो इसको यूज़र खुद टेस्ट करता है या फिर यूज़र किसी से करवाता है. The main objective of this testing is to verify that all the features of the software are according to the requirement stated in the modification request. तो इसमें चेक करते हैं कि जो मैंने कहा था करने के लिए क्या वो ही किया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने. ठीक है, यूज़र चेक करता है इसको. सो इसके लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फेस हमारे पास आता है. द लास्ट फेस इज़ द डिलीवरी फेस. ठीक है, अभी एक्सेप्टेंस हो गया. ठीक है, यूज़र ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी जो बना था वो ओके है, मेरी जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही बना है, तो अभी हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दीजिए. ठीक है, तो वो आता है डिलीवरी फेज. वंस द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज सक्सेसफुल अकम्प्लिश्ड, द मॉडिफाइड सिस्टम इज डिलीवर्ड टू द यूज़र्स. इन एडिशन टू दिस, द यूज़र इज प्रोवाइडेड प्रॉपर कंसिस्टिंग ऑफ मैनुअल्स एंड हेल्प फाइल्स दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद इट्स हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन. द फाइनल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डन बाय द क्लाइंट आफ्टर द सिस्टम इज डिलीवर्ड. तो अभी यहाँ पे जब हमने कस्टमर एंड पे जाके इंस्टॉल कर दिया, क्लाइंट ने शुरू कर दिया उसको वर्तना. ठीक है, उसको अभी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ पे वो फाइनल टेस्टिंग होती है कि हाँ भाई मैंने जो कहा था वो काम हो गया है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हो गई है. तो डिलीवरी फेज तक भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली बन गया. ठीक है, तो डिलीवरी फेज से भी दोबारा से वो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट पे आ सकता है, उसकी मेंटेनेंस दोबारा से करनी पड़ सकती है. ठीक है, तो क्लाइंट जब तक ओके नहीं करता हमारा जो मेंटेनेंस का टास्क है वो एक बार में ख़त्म नहीं होगा. तो इससे पहले कि हम कंक्लूजन देखें, इसके दोबारा से स्टेप्स देख लेते हैं प्रोसेस के. तो फर्स्ट था हमारे पास मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन एनालिसिस किया प्रॉब्लम का, डिज़ाइन प्रिपेयर किया, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुई, इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिस्टम टेस्ट हुआ. सिस्टम टेस्ट में हमने रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की. ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आया, यूज़र ने थर्ड पार्टी से करवाया या खुद अपने आप टेस्ट किया कि जो उसने मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट में रिक्वायरमेंट दी थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई. उसके बाद हमने जो एक्सेप्टेंस टेस्ट सक्सेस हो गया तो उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, जो न्यूली मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर था उसको हमने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया. तो ये सारे फेजेस हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल के. सो टू कंक्लूड वी कैन से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हैज रिसेंटली गेन्ड इट्स इंपॉर्टेंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. इट इज वन सच प्रैक्टिस विच इज इमेंसली बेनिफिशियल. ठीक है, बहुत ही फेमस हो चुकी है ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. ठीक है, और इसकी जो प्रैक्टिस है, जो हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है हमें. ठीक है, एग्जीक्यूटेड थ्रू वेरियस टेक्निक्स एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल्स, इट परफॉर्म्स फंक्शन दैट फिक्सेस न्यू और एग्जिस्टिंग बग्स एंड डिफेक्ट्स इन द सिस्टम एंड प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस विद रेगुलर अपग्रेड्स. तो इसमें जो भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के, वो क्या करते हैं, जो भी बग्स इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, या कोई न्यू बग्स आती हैं, या हमने कोई परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे अपग्रेड होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक होती रहती हैं यहाँ पे. थ्रू सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग टेक्निकल इन्वायरमेंट एंड द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रडिक्टिंग कैश फ्लो एंड कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर. हैंस बाय अडॉप्टिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, डेवलपर्स कैन प्रोवाइड क्लाइंट सर्विस दैट आर अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड एंड इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. तो अगर हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो इसकी वजह से जो मार्केट, लेटेस्ट मार्केट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहेगा. ठीक है, और अगर हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहेगा तो क्लाइंट उसको रेगुलर यूज़ करेगा. अगर क्लाइंट यूज़ करेगा तो हमें ऑब्वियस है कि बेनिफिट होगा ही उसका. ठीक है, सो आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है. मेरी नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.